हाय एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए एजुकेशनल वीडियो को अपलोड करता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, तो किसी भी टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए वो टेबल जो है मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जरूर होना चाहिए। तो किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाते हैं वो मैंने नॉर्मलाइजेशन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया है। तो आप वहाँ जा कर के जो है देख सकते हैं कि किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में किसी भी टेबल को लाने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि वो टेबल सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ये रूल नंबर वन है। उसके बाद सेकंड रूल जो है वो ये है कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन की कॉलम और प्राइमरी की। उसके बाद जो है टेबल्स में सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए उस टेबल में जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है, मतलब जितने भी नॉन की कॉलम्स है, वो प्राइमरी की वाले कॉलम्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। दैट मीन्स एक कॉलम जो है प्राइमरी की होनी चाहिए और बाकी के जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स जो है उस प्राइमरी की कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये था सेकंड रूल। थर्ड रूल जो है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए नो पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो पार्शियली डिपेंडेंसी क्या है या पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ये मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसी के अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने समझा रखा है। तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। तो यहाँ पे जो है उसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में कि इफ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स। तो आप मान लीजिए कि ए और बी क्या है, वो एट्रीब्यूट्स है, मतलब ए साइड में जो है कुछ कॉलम्स के नेम है और बी साइड में भी कुछ कॉलम्स के नेम है। तो बी साइड में जितने भी कॉलम्स है वो डिपेंडेंट होना चाहिए ए वाले साइड पे। ए वाले साइड में जितने भी कॉलम्स है उस वाले कॉलम्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। और इफ यू रिमूव सम एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ए, और अगर ए वाले साइड से किसी एट्रीब्यूट को, किसी कॉलम को मैं डिलीट करता हूँ, तो डिपेंडेंसी फिर भी होल्ड करना चाहिए। इसी को पार्शियली डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास ए साइड में दो एट्रीब्यूट्स है, दो कॉलम्स नेम है, SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर, और इसी ए साइड में एक और कॉलम है एज वाला कॉलम, इसको डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम भी बोलते हैं, और बी साइड में नेम वाला एट्रीब्यूट है, नेम वाला कॉलम है। तो ये नेम वाला जो कॉलम है ये यहाँ पर दो प्राइमरी की है, इसको कॉम्पोजिट प्राइमरी की बोलते हैं या कॉन्केटनेटेड प्राइमरी की बोलते हैं। तो नेम वाला जो कॉलम है वो डिपेंडेंट है जो है कॉम्पोजिट प्राइमरी की के ऊपर, कॉन्केटनेटेड प्राइमरी की के ऊपर। तो इन दोनों प्राइमरी की में से अगर मैं एज वाले कॉलम को डिलीट कर दूं, डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूं, तब भी जो है नेम वाला कॉलम जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर मैं सोशल सिक्योरिटी नंबर को डिलीट कर दूं तो नेम वाला कॉलम जो है वो डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ए वाले में हमारे पास कॉम्पोजिट प्राइमरी की है, तो इस कॉम्पोजिट प्राइमरी की में से लेट सपोज मैंने डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद भी जो है नेम वाला कॉलम इस वाले कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट
रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि नेम वाला कॉलम जो है पार्शियली आधा डिपेंडेंट है एज वाले कॉलम के ऊपर और आधा डिपेंडेंट है सोशल सिक्योरिटी नंबर वाले कॉलम पे। तो हम कह सकते हैं कि नेम वाला कॉलम जो है पार्शियली डिपेंडेंट है एसएस नंबर और डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पे। तो अगर मैं एज वाले या डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को डिलीट कर देता हूँ तो डिपेंडेंसी फिर भी होल्ड करेगी। तो इसी को पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं जो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में अलाउ नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे पार्शियली जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी वहाँ पे नहीं होना चाहिए टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। तो अब इस स्लाइड में जो है हम देखते हैं कि एक टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। तो इस एम्प्लॉय टेबल को मुझे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाना है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो इसमें जो पहला रूल है वो ये है कि आपका जो टेबल आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हो वो टेबल सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कैसे लाते हैं वो मैंने अपने नॉर्मलाइजेशन वाले टॉपिक के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में समझा रखा है। तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जिस टेबल को आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हो वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहले होना चाहिए। सेकेंड जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए एक तो प्राइमरी की का कॉलम होना चाहिए और बाकी जितने भी कॉलम्स है नॉन की कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स उस प्राइमरी की कॉलम वाले पे डिपेंडेंट होना चाहिए। और थर्ड जो है पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करना चाहिए जो कि हमारे इस एम्प्लॉय वाले टेबल में पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में चार कॉलम्स है EMP ID जो कि एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट DPT ID दैट मीन्स डिपार्टमेंट आईडी, EMP नेम एम्प्लॉय नेम और DPT नेम डिपार्टमेंट नेम। तो एम्प्लॉय के इस टेबल में चार कॉलम्स है। अब इसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं। इससे पहले इन द एबव टेबल एम्प्लॉय ऊपर वाले टेबल एम्प्लॉय में द टेबल हैज कॉम्पोजिट प्राइमरी की। यहाँ पे कॉम्पोजिट प्राइमरी की है हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में EMP ID प्लस DPT ID ये दो अलग अलग प्राइमरी की है। तो इन दोनों को ही कॉम्पोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। तो यहाँ एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास कॉम्पोजिट प्राइमरी की है और बाकी के जो एट्रीब्यूट है इच एट्रीब्यूट इन द टेबल डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिट प्राइमरी की। तो बाकी के जो कॉलम्स है EMP नेम और DPT नेम वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की यानी कि EMP ID और DPT ID इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि ये फंक्शनल पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो वी सी हियर द कॉम्पोजिट की एज EMP ID एंड DPT ID। तो यहाँ पे हमारे पास EMP ID और DPT ID क्या है, एक कॉम्पोजिट की है और EMP नेम जो एक नॉन की एट्रीब्यूट है नॉन की कॉलम है वो डिपेंडेंट है EMP ID वाले प्राइमरी की के ऊपर। एंड DPT नेम ये एक दूसरा नॉन की कॉलम्स है तो ये डिपेंडेंट है दूसरे प्राइमरी की के ऊपर DPT ID के ऊपर। तो इस तरीके से EMP नेम और DPT नेम ये दोनों नॉन की कॉलम्स है और ये दोनों ही डिपेंडेंट है कॉम्पोजिट प्राइमरी की के ऊपर। तो यहाँ पर पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रहा है। तो इसको जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल को स्प्लिट करके दो टेबल्स में डिवाइड करना है। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में एम्प्लॉय टेबल को लाने के लिए वी कैन स्प्लिट द एबव एम्प्लॉय टेबल। हम ऊपर वाले एम्प्लॉय टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं दो अलग अलग टेबल्स में और उसके बाद ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास
एक ईएमपी टेबल है और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा टेबल है डीपीटी टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल को मैंने ईएमपी टेबल और डीपीटी टेबल में स्प्लिट कर दिया है। तो ईएमपी टेबल में मैंने एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की को रखा मैंने, तो 1 2 3 ये सारे यूनिक प्राइमरी की है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरे प्राइमरी की को रखा डीपीटी आईडी 101 102 101। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ईएमपी नेम को रखा और फिर डीपीटी टेबल में मैंने क्या किया, डीपीटी आईडी को लिया और डीपीटी नेम को लिया। तो यहाँ पे क्या है, डीपीटी आईडी और ईएमपी आईडी, तो ये आपका क्या है, ये दोनों ही कॉलम्स डिपेंडेंट हो गए ईएमपी आईडी के ऊपर। और यहाँ पे डीपीटी नेम जो है, क्योंकि डीपीटी नेम को अगर डिटरमाइन करना है तो वो डीपीटी आईडी से ही उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब डीपीटी नेम में अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो हम डीपीटी आईडी के बेसिस पे भी डीपीटी नेम में चेंज कर सकते हैं और ईएमपी आईडी के बेसिस पे भी डीपीटी नेम को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो डीपीटी नेम जो है वो डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर। तो मैंने क्या किया है, एक टेबल में जो है एक टेबल में ईएमपी आईडी के ऊपर जो जो कॉलम्स फुल्ली डिपेंडेंट थे उन उन कॉलम्स को रख दिया मैंने। तो यहाँ डिपार्टमेंट आईडी और ईएमपी नेम जो है ये फुल्ली डिपेंडेंट है ईएमपी आईडी वाले कॉलम के ऊपर, और जो है डिपार्टमेंट नेम वाला कॉलम जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम पे। तो इसको मैंने अलग डीपीटी टेबल में लेकर के डीपीटी नेम वाले कॉलम को मैंने फुल्ली डिपेंडेंट कर दिया डीपीटी आईडी वाले कॉलम पे। और उसके बाद यहाँ पे डीपीटी आईडी और डीपीटी आईडी दोनों सेम हो गया, तो इस वजह से ईएमपी टेबल और डीपीटी टेबल ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो एम्प्लॉय टेबल को हम इस तरीके से रख करके सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टेबल पहले ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था, ठीक है, और जो है सारे कॉलम्स जो है अब जो है प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है और पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, और अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।